अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन पर दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन पर हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उस्मान मलिक, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स में आपका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट आप याद कर लें। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पर सभी के वर्ग लिख दिए हैं। अब हमने किसी संख्या का जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमें करना है, चलिए अब हम एक संख्या लिख लेते हैं, 3364। अब देखते हैं ये किसका वर्गमूल बैठेगा। तो आप देखिए, जो हमारे सबसे लास्ट की एक डिजिट दी गई है, इसे देखते हैं ये कौन से जो ये होते हैं हमारे वर्ग, इनके लास्ट डिजिट है। अब देखिए, 4 4 हमारा, एक तो यहाँ पर शो कर रहा है और एक यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये और ये, तो या तो हमारी लास्ट की डिजिट 2 आएगी या आएगी हमारी 8। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2/8। चलिए, हमारी लास्ट डिजिट तो हम दोनों में से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये दोनों जो हमारे ऑप्शंस हैं इन्हें छोड़ देंगे। अब हम लेंगे अपने आगे के देखते हैं ये किसके वर्गमूल के बीच में आ रहा है। हम यहाँ देखते हैं 33 33 हमारा आएगा 3625 के बीच में, तो जिसके बीच में ये आएगा इससे हम छोटी संख्या वाले का वर्ग ले लेंगे। तो हम ये लेंगे इसका 5, क्योंकि 33 से छोटा 25 है, तो ये ले लेंगे हम यहाँ 5। तो हमारी पहली डिजिट आ जाएगी 5। अब हम इन दोनों डिजिटों में से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे 5 में 1 ऐड करके, 5 और 1 6, तो 6 5 30, ठीक है, 6 5 30। अब देखेंगे हम ये जो, अगर ये बड़ा है, ये संख्या हमारी इससे बड़ी है तो बड़ा लेंगे, ये संख्या इससे छोटी है तो छोटा लेंगे। अब ये संख्या हमारी इस 30 से बड़ी है, 33 है यहाँ 30 है, तो हम ये यहाँ बड़ा लेंगे। अगर ये बड़ा है तो बड़ा लेंगे, इस संख्या से ये छोटा है तो छोटा लेंगे। अब ये हमारा बड़ा है तो हम यहाँ लेंगे 8, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 8। तो हमारा यही इसका वर्गमूल बैठेगा, 3364 का वर्गमूल हमारा 58 होगा हमारा आंसर। चलिए हम अगला एक और डिजिट लिख लेते हैं। चलिए हम एक का और आपको निकाल कर दिखा देते हैं, 6889। चलिए हम इसे करते हैं। अब ये देखिए, हमारी लास्ट की डिजिट लेंगे हम, ये 9 देखिए किस किस के मारा है, 3 के मारा है और हमारा 7 के मारा है। तो यहाँ पर इसकी जगह 3 और 7 ले लेंगे, या तो 3 आएगा लास्ट में या 7 आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को, लास्ट वालों को छोड़ देंगे और ले लेंगे फ्रंट वाले। अब ये देखिए 68 68 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 68 हमारा 64 और 81 के बीच में आ रहा है, 68। तो जब ये 64 और 81 के बीच में 68 आ रहा है तो इससे छोटा वाला लेंगे हम, यानी कि 8। 68 से छोटा 64 है, यानी कि इसका लेंगे हम 8। तो हमारी फर्स्ट डिजिट आ जाएगी 8 और लास्ट की डिजिट इन दोनों में से निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 × 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 8 9 72। अब ये देखें, ये छोटा है इससे, ये 68 इससे छोटा है, तो हम लेंगे छोटी डिजिट। ये छोटा होगा तो छोटी डिजिट लेंगे, इससे ये बड़ा होगा तो बड़ी डिजिट लेंगे। अब ये छोटा है तो यहाँ लेंगे 83, तो ये हमारा हो जाएगा 83 इसका आंसर। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।